फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी टॉपिक पे। हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज के अंदर डिक्शनरी का जो टॉपिक है उसको हम कवर कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो का हमारा मोटिव है कि जो हमने प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिक्शनरीज को कवर किया था या क्रिएट किया था, अब उस डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी कैसे उस डिक्शनरी के हर एक की वैल्यू पेयर तक हम रीच कर सकते हैं। सो इसके डेफिनेशन से एक बार स्टार्ट करते हैं। ट्रैवर्सल ऑफ ए कलेक्शन मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैवर्सल का मतलब होता है कोई भी कलेक्शन। यहाँ पे हमारी कलेक्शन ऑफ आइटम्स क्या है? डिक्शनरी। किसी भी डिक्शनरी या किसी भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स के अंदर उसके एलिमेंट्स को, उसके आइटम्स को एक्सेस करना या फिर प्रोसेस करना, उसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग। तो दस ट्रैवर्सिंग ए डिक्शनरी ऑल्सो मीन्स द सेम, एंड सेम इज द टूल फॉर इट, दैट इज द पाइथन लूप्स। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस जितने भी कलेक्शंस का यूज़ किया, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो या फिर हो स्ट्रिंग, उन सभी के अंदर हमने क्या किया था, उसके हर एक एलिमेंट को ट्रेस करने के लिए, उसके हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए, तो ट्रैवर्सिंग मेथड का हमने वहाँ पे यूज़ किया था उसके हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए। और जो टूल हमने वहाँ पे यूज़ किया था किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करने के लिए, वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारा पाइथन के लूप्स। तो यहाँ पे हम फोर लूप का यूज़ करेंगे, जो कि ट्रैवर्सिंग को और लूपिंग को बहुत ही ईजी बना देता है किसी भी आइटम को ट्रैवर्स करने के लिए। सो इसका एक बेसिक सा सिंटैक्स है, जो हम नॉर्मल फोर लूप का सिंटैक्स देखते हैं, फोर आइटम इन डिक्शनरी, बिकॉज हम यहाँ पे आइटम को ट्रेस करने वाले हैं डिक्शनरी के अंदर से। सो फोर आइटम इन डिक्शनरी, देन हमारा जो सिंटैक्स होता है फोर लूप का, जो कि कॉलन के साथ टर्मिनेट होता है, कॉलन, और यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस ईच आइटम हियर, यानी इस लाइन के थ्रू जो है हम यहाँ पे अब आइटम को प्रोसेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू कोड और फ्यू मेथड दैट वी हैव डिस्कस। सो ये सपोज करते हैं हमारे पास एक डिक्शनरी है D1 नेम की, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 5, जो कि स्पेसिफाई कर रहा है कि किस टाइप का डेटा टाइप है, एक नंबर डेटा टाइप है, एक वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, बिकॉज ए जो है हमने किसके अंदर स्टोर किया है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो कि सेपरेट करता है डेटा टाइप को फ्रॉम नंबर एंड वेरिएबल। सो यहाँ पे ए क्या है, हमारा स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हमने, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम किसी भी एक डेटा टाइप के अंदर, एक डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, ये हमारी डिक्शनरी है, इसके अंदर हमने यहाँ पे एक टपल क्रिएट कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर, यानी एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने दूसरा डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे ऐड कर दिया। सो 1, 2 यहाँ पे हमने टपल यहाँ पे ऐड कर दिया और उसको स्पेसिफाई कर दिया उसकी वैल्यू से कि ये टपल है। सो अब हमें इस D1 डिक्शनरी को ट्रैवर्स करना है एज पर आवर कन्वीनियंस, और इसको हमें इस तरीके से करना है कि एफिशिएंट वे में शॉर्ट लाइन ऑफ कोड के थ्रू जो है हम इसे कंप्लीट कर सके। सो जैसा भी हमने हमारा सिंटेक्स देखा था, फॉर आइटम इन डिक्शनरी, अब सपोज मैंने यहाँ पे आइटम को स्पेसिफाई कर दिया ए नाम के वेरिएबल से। यहाँ पे जो आइटम है वो हम किसी भी नेम से स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ए नाम से कर दिया, फॉर ए इन D1, यानी कि ए जो है मेरा आइटम रहेगा डिक्शनरी D1 के अंदर से। और मुझे फिर क्या करना है, प्रिंट उसके एलिमेंट्स को करना है। यहाँ पे हमारा डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, की और वैल्यू के पेयर में। जो भी हमारा आइटम होगा हमारा डिक्शनरी की की वैल्यू, तो ए के अंदर हमारी की वैल्यू स्टोर होगी, तो हम उसे प्रिंट कर देंगे की। उसके बाद हमें एक स्पेसिफिकेशन या फिर सेपरेटर देना है, जो कि जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमारी की वैल्यू है और ये हमारी वैल्यू है एक डिक्शनरी के अंदर। तो सेपरेटर दिया हमने यहाँ पे कॉलन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जस्ट एज ए मैसेज पास करते हैं हम उसी तरीके से। एंड देन उस D1 के, यानी उस डिक्शनरी के पर्टिकुलर की वैल्यू हमने ट्रेस कर दी बाय दिस इंडेक्सिंग मेथड, जो कि हमने नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर किया था। तो ये हमारा बेसिक सा कोड था। अब चलिए इसको देखते हैं हमारे आइडियली के अंदर। तो इस बेसिक से कोड ने हमें को क्या आउटपुट दिया, जो भी हमारी डिक्शनरी के आइटम्स थे वो इसने यहाँ पे हमें आउटपुट दे दिया कि 5 हमारा नंबर है, ए स्ट्रिंग है और 1 और 2 टपल है, यानी हमने डिक्शनरी के हर एक एलिमेंट को, हर एक की वैल्यू पेयर को हमने यहाँ पे ट्रैवर्स कर दिया। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हमारे आइडियली के अंदर। सो यहाँ पे मैंने मेरा आइडियली ओपन कर लिया और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिक्शनरी क्रिएट करूंगा, तो मैंने dict1 के नाम से यहाँ पे डिक्शनरी का वेरिएबल क्रिएट कर दिया और इसके अंदर सेम हम कुछ पैरामीटर्स या फिर कुछ वैल्यूज को पास करेंगे। यहाँ पे हम कुछ यूनिक नेम से डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर मेरी की होगी हमारा नेम किसी भी पर्सन का और वैल्यू होगी उसका फ़ोन नंबर। सबसे पहले सपोज राहुल नाम के पर्सन का यहाँ पे मैंने नेम ऐड कर दिया और उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दी एक मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर का हम कैसे ऐड करेंगे, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हम उसे ऐड करेंगे। तो ये कुछ सम डिजिट्स का मैंने यहाँ पे नेम जो है, नंबर जो है ऐड कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, श्याम नाम के एक पर्सन का
की और वैल्यू जनरेट कर दूंगा। अभी हम क्या करते हैं, दो ही एलिमेंट्स के साथ जो हमारे डिक्शनरी को क्रिएट कर, सो लेट्स चेक कि हमारी डिक्शनरी क्रिएट हुई है या नहीं। तो हम वेरिएबल नेम पास करेंगे हमारी डिक्शनरी का, तो हम देख सकते हैं हमारी डिक्शनरी जो है क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे हम जो है नंबर को एज अ इंटीजर भी ट्रीट कर सकते थे, बट ये काफ़ी लॉन्ग वैल्यू है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एज अ स्ट्रिंग पास किया। तो चलिए अब ट्रैवर्स करते हैं। तो फॉर यहाँ पे हम आइटम का नेम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पे आई ले लेता हूँ। फॉर आई इन डिक्शनरी नेम, डिक्शनरी नेम हमारा क्या है, डिक्ट वन। और फॉर लूप का सिंटेक्स फॉलो करेंगे, कोलन के साथ लाइन को टर्मिनेट करेंगे और नेक्स्ट लाइन में इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक इंडेक्स, एक टैब वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा नेक्स्ट लाइन के अंदर। और अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है हमारी वैल्यू को। तो सबसे पहले हमें हमारी क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, आइटम यानी कि उसकी की। यहाँ पे आइटम हमारी स्टोर है इस आइटम के अंदर यानी इस वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे आइटम वेरिएबल मेरा आई है, तो आई कॉमा, यहाँ पे हम फिर से अगेन एक सेपरेटर देंगे। सेपरेटर जैसा कि हमने प्रीवियस में कॉलन दिया था, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने एक एरो टाइप का सेपरेटर जो है यहाँ पे जनरेट कर दिया। एंड देन हमें क्या करना है, उस डिक्ट वन की जो की है उसकी वैल्यू जनरेट करनी है। तो उस की वैल्यू हमने जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, कोई भी की है उसकी अगर हमें वैल्यू जनरेट करनी है तो डिक्शनरी नेम और ब्रैकेट में उसका की हम पास कर देते हैं। तो डिक्शनरी नेम ब्रैकेट में मैंने की पास किया, की है यहाँ पे हमारा आइटम आई, और इस तरीके से हम जो है इसे क्लोज कर देंगे और एंटर हिट कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारा क्या आ गया, राहुल और श्याम जो कि डिक्शनरी की थी वो प्रिंट होगी, और जो भी हमने सेपरेटर पास किया उसी की फॉर्म में जो है एक सेपरेटर यहाँ पे प्रिंट हो गया, एंड देन उसका मोबाइल नंबर जनरेट हो। सो कितना इजीली हमने जो है एक डिक्शनरी को ट्रेस कर लिया। तो डिक्शनरी जो है बहुत जगह हेल्पफुल होती है, जैसे कि हमें हमारा कोई भी डेटा स्टोर करना है फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट, हमें स्टूडेंट की आईडी जनरेट करनी है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, स्टूडेंट्स के मार्क्स, इन सभी चीज़ों को अगर हम एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना चाहते हैं, सो डिक्शनरी इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। और सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा शो करना है किसी, तो उसके लिए जो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, बट मैं उसके हर एक की और वैल्यू को बार बार ट्रैवर्स बार बार जनरेट नहीं करूंगा बाय दिस मेथड जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि एक आइटम यानी एक की वैल्यू को जनरेट करना यहाँ पे हमारे लिए बार बार बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए ट्रैवर्सिंग काम में आती है, जो कि पूरी की पूरी डिक्शनरी को एक साथ ट्रेस कर देती है, और फॉर लूप की हेल्प से जो है हम ये काम बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम सेपरेटर कुछ भी रख सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ये एरो के फॉर्म में सेपरेटर रखा था, या कोई भी साइन देना चाहता हूँ तो वो भी जो है हमारा नॉर्मल ऐड हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एंड नाम का एक सेपरेटर दिया, और अब मैं इसे अगर रन करूँगा तो यहाँ पे एंड नाम का जो सेपरेटर या फिर वैल्यू है मेरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी।